मैं डॉक्टर राकेश सारण मेडिसिन विभाग जनसेवा हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। पिछले दिनों में जो महामारी कोरोना के रूप में हमारे देश में और पूरे विश्व में फैली हुई है, इसके बारे में हम पहले भी एक दो बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हमारे कम्युनिटी के अंदर सामुदायिक इसका स्प्रेड जो होना है उस स्टेज की तरफ हम जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से किए गए इंतजाम और जो लॉकडाउन है, कृपया करके उनका सख्ती से पालन करें। इन लॉकडाउन का यही अर्थ है कि जो पॉकेट्स आइसोलेट हो गए हैं, जैसे झुंझुनू में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, जिन जगहों पे केसेस हैं वो वहीं पे रहें और ग्रामीण क्षेत्र में उनका प्रचार प्रसार ना हो। तो अपने गंगानगर के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप गांव में ही रहें। छोटी मोटी बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट दर्द, इन सब के लिए गांव में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सब का उपयोग करें। जब तक कि एमरजेंसी जान पे बनने वाली बात ना हो, हॉस्पिटल आना, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। जनसेवा के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर और भी कई जगह पे यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, सब डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। किसी तरह से पैनिक होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमारे गंगानगर जिले में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो इस पॉजिटिव केस नहीं आने की स्थिति को मेंटेन करने के लिए हम सबको धैर्य बना के और अपने अपने घरों में बना रहना अति आवश्यक है। सब तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और वेंटिलेटर, आईसीयू सुविधा, सब सुविधाओं के साथ हम तैयार हैं। लेकिन हमारी ईश्वर से कामना है कि ऐसी नौबत ना आए। प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ सहयोग करें और लॉकडाउन की स्थिति को बना के रखें। और मजाक में या इस चीज को इस तरह से ना लें और जो भी कानून है उनका कड़ाई से आप पालन करें। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन हम और पुलिस प्रशासन तभी आपको बचा पाएंगे अगर आपका 100% सहयोग हमारे साथ रहेगा। प्रशासन ने हर तरह की, खाने की, भोजन की, औषधि की, हर तरह की व्यवस्था करी गई है। जनसेवा हॉस्पिटल भी हर तरह से इसमें मदद करने के लिए तैयार है और हर कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। हमारे यहाँ से हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उनसे आपको दवाइयाँ, डोर टू डोर भोजन की व्यवस्था, आपके लिए डॉक्टर की सलाह टेलीफोनिकली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उपलब्ध है। उन नंबर का आप इस्तेमाल करके इसमें और अधिक सहयोग बना सकते हैं। धन्यवाद।